लगातार हो रही बारिश के बाद इंदौर के बियाबानी क्षेत्र में एक घर की दीवार गिरने पर घर के लोगों ने निगम को सूचना दी। सूचना मिलने पर नगर निगम के लोगों ने पूरा घर ही तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पहले बारिश आफत बनी तो निगम ने बारिश की तकलीफ को और बढ़ा दिया और एक परिवार को पल भर में बेघर कर दिया। दरअसल आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है यह इंदौर के छतरीपुर थाना क्षेत्र बियाबानी का बताया जा रहा है, जहां गरीब परिवार मेहनत मजदूरी कर किराए के झोपड़ी नुमा मकान में लंबे समय से निवास करते थे। पीड़ित लोगों का कहना है कि देर रात से ही हो रही बारिश के बाद उनके घर की एक दीवार टूट गई थी। इसके बाद पीड़ित लोगों ने नगर निगम को सूचना दी, जहां निगम के लोगों ने परिवार को घर के बर्तन व अन्य सामग्री भी नहीं निकालने दिया और आनंद फानंद में पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। आज कुछ नहीं हुआ था, दीवार थी वो हल्की टेढ़ी, तो वो अंदर गिरना थी, अंदर नहीं गिरी और वो बाहर की तरफ गिर गई। ओसारे में 10 चद्दर का ओसारा है हमारा, वहाँ पर गिर गई। तो जरा सा चांदा था, हमने बोला ये गिरा दो नगर निगम वालों को, उन्होंने नहीं गिरा के पूरा मकान तोड़ दिया, हमारा कमरा पूरा तोड़ दिया। सामान निकालने दिया? नहीं निकालने दिया, सामान भी नहीं निकालने दिया। बोला आप सामान निकालने जाओगे तो आपको हम थाने में बिठा देंगे। अब क्या मांग करते हो आप? अब क्या मांग करते हैं, अभी रहेंगे बनाएंगे और क्या मांग करते हैं। आज की मुझे भैया जानकारी नहीं, अभी टूटने के पश्चात जानकारी लगी है। मेरा सामान रखा था यहाँ पे, फ्रिज और गोदरेज, वो भी यहीं रह गया। मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरे पिताजी के समय का ये मकान है, मेरे पिताजी यहाँ रहते थे, उसके बाद मैं यहाँ, मेरी एज 50 साल है। उन्होंने बिना सूचना के तोड़ दिया और सामान भी सारा अंदर ही हमारा दब गया। अभी यहाँ से ये 2018 में टूटा था, उस दौरान यहाँ पे हमारे सामान रखने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो सामान यहाँ पड़ा था और सामान का भी सारा नुकसान हो गया। पिछली बार भी नगर निगम तोड़ के चली गई थी, मगर उन्होंने बनाने की परमिशन नहीं दी। इतने सालों से रह रहे हैं, अब ये भी क्या रोड पे जाएंगे, हम भी क्या रोड पे जाएंगे, हमको भी वो दीवार नहीं बनाने दिया इनके दादाजी की। हम ये चाहते हैं भैया कि हमारे को है ना तोड़ दिया, कहीं दिक्कत नहीं है, हमको हमारे जो हिस्सा है उसको बनाने की परमिशन दी जाए। पीड़ित लोगों का कहना है कि निगम ने उनकी मुश्किल इस बारिश के समय में और बढ़ा दी है। बहरहाल अब देखना होगा कि पीड़ित पक्ष को अब क्या मदद मिलती है। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए टोनी वेद की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।